महेंद्र राजभर ने उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बैरूपीय हैं, ये टिकाऊ नहीं बिकाऊ है। ये 20 साल पहले उनको नहीं पता चल पा रहा था क्या? 20 साल से ये आज कैसे याद आ गया भाई? हिसाब किताब तो नहीं चेंज कर दिया? हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन किया है, सही बात है। जो कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी को चलाने का जो स्रोत था, जो स्रोत उनके यहाँ से हो करके पार्टी पार्टी रैलियों में जाता था, वो स्रोत हमने जरूर बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि उनके द्वारा कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा था। और जिस व्यक्ति को MLA का फुल फॉर्म न पता हो, जिस व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी कैसे बनती है, कौन से एक्ट में बनती है, इसका जानकारी ना हो, पार्टी क्या चलाएगा भाई? वो तो ओम प्रकाश राजभर जी के चेले थे और स्वाभाविक तौर पर है, छोड़ के गए हैं, उनका स्वागत है, उनको बधाई है। और समाज तो खुद ही जवाब दे रहा है, हमको क्या देना है? पूरा समाज जवाब दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं कालीनेमी का रूप पकड़ लिया गया है, ये कालीनेमी हो गए हैं, ये भस्मासुर हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे मुझे पता है कौन खड़ा है, और ये मुझे अच्छी प्रकार से पता है कौन खड़ा है। जो खड़ा है मुझे अच्छी प्रकार से पता है। उनको भी समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर ऐसा नेता है जो तपस्या करके यहां तक आया है, और जनता संपूर्ण वंचित वर्ग उनके साथ खड़ा है, समझ में आ जाएगा उनको भी। अखिलेश यादव की तरफ आप इशारा कर रहे हैं खड़े होने में, आपकी पार्टी तोड़ने में क्या कहना चाहते हैं? साजिश कर रहे हैं क्या? अगर आप उनका नाम ले लिए हैं तो मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। नाम आपको लेना चाहिए। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आपके हिसाब से कितना सही काम कर रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो वर्तमान सरकार है, हमारे हिसाब से अभी कुछ काम ठीक नहीं कर रही है। और हम लोग सावधान रथ यात्रा के माध्यम से यही समझाने के लिए निकले हुए हैं कि आपने एक बार मौका दिया उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए, और जनता को फिर विश्वास हुआ कि चलिए अगली पिछली बार नहीं कर पाए, हो सकता अगली बार कर देंगे, और अगली बार फिर लोगों ने मौका दे दिया, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। हम सबको आगाह कर रहे हैं और सचेत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बदहाली तभी दूर होगी जब ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान होगी, और उत्तर प्रदेश में जो भी दुर्व्यवस्थाएं हैं उसको खत्म करने का काम एक ही नेता कर सकता है, जो बोल्ड होकर के पूरे देश के गरीबों प्रदेश के गरीबों की बात करता है, उनके हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ता है। देखिए, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है। संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो अपनी चिंता करें तो बेहतर होगा। और संजय निषाद जी का हम भी सम्मान करते हैं और हमारे माननीय पिताजी भी सम्मान करते हैं। उनको पहले अपनी पार्टी देखनी चाहिए कि उनके पार्टी पर कहीं ना कहीं उनको उजाले में खड़ा किया गया है और अंधेरे में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो पहले वो अपनी चिंता करें। और रही बात हमारे पार्टी की, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। जो उस प्रवृत्ति के लोग थे जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना नहीं सीखा, संगठन को कहीं ना कहीं आड़े हाथ खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों को तो हम स्वतः पार्टी निष्कासित करने का मूड बनाए हुए थे, लेकिन वो छोड़ के चले गए, ये सबसे अच्छी बात रही। ये बेहतर संजय निषाद जी बता सकते हैं। संजय निषाद जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उजाले में हैं, और उनकी पार्टी अंधेरे में है। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कि संगठन उनका ध्वस्त हो रहा है। वो हमारी चिंता छोड़ करके अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी को बचाने की चिंता करें।